नमस्कार। आज हम आपको लिक्विड क्रिस्टल के उपयोग बताएंगे, उनकी एप्लीकेशन बताएंगे और विशेष रूप से आज एक विशेष एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। सात खंड सेल के रूप में इसका उपयोग होता है। आपने कैलकुलेटर देखा होगा, उसमें जो डिजिट आते हैं, हाथ की घड़ियां देखी होगी डिजिटल, पीएच मीटर देखा होगा डिजिटल, और विशेष रूप से पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मीटर और डीजल मीटर देखे होंगे, उसमें जो अक्सर डिस्प्ले होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल के ही बने होते हैं। वो सात खंड सेल के रूप में होते हैं। अब हम वही बताने जा रहे हैं, सात खंड सेल क्या होते हैं, किस तरह से डिजिटल डिवाइस में इसका उपयोग होता है, किस तरह से पीएच मीटर पेट्रोल पंप में इनका उपयोग होता है, डिजिटल घड़ियां कैसे उपयोग होता है, उनको समझाने जा रहे हैं। देखिए, सात खंड सेल में लिक्विड क्रिस्टल का किस तरह से उपयोग होता है, ये आप ध्यान दीजिए। सात खंड डिस्प्ले SSD, सेवन सेगमेंट डिस्प्ले या सात खंड संसूचक, सेवन सेगमेंट इंडिकेटर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले युक्ति का रूप है। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ही एक फॉर्म है, एक रूप है, जिससे डेसिमल अंक डिस्प्ले होते हैं। डेसिमल अंक 0 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिस्प्ले होते हैं, दिखाई देते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग सात खंड सेल बनाने में होता है। सात खंड डिस्प्ले को एसएजी अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो सात खंड सेल डिवाइस है, जो युक्ति है, उसको एसएजी अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। इसमें से नॉन इंटीग्रल अंकों को डिस्प्ले के ऐच्छिक डेसिमल बिंदु, जिसे आठवां खंड कहते हैं, डीपी से दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए इस डायग्राम में, ये इसकी डीपी कहलाती है, डेसिमल पॉइंट कहलाती है, ये डीपी कहलाती है। ये सात खंड सेल सात छड़रूपी एलईडी लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, एलईडी एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले तत्व होते हैं। सात खंड होते हैं, सात सेगमेंट होते हैं। अब हम सात सेगमेंट, जिनकी आकृति 8 से होती है, जिसमें से 2-2 वर्टिकल खंड, समझाएंगे हम चित्र में, एक हॉरिजॉन्टल खंड, एक मध्य में और एक नीचे होता है। ध्यान दीजिए, ये सात, ये बताया हमने 8 जैसे, इसकी आकृति कैसी रहती है, इनकी 8 जैसे आकृति होगी, कैसे, देखिए आठा बन रहा है पूरी तरह से, 8 बना है। ये जो 8 तत्व है, 8 सेगमेंट है, 2-2 वर्टिकल खंड, एक हॉरिजॉन्टल खंड, 2-2 वर्टिकल खंड, 1-2 1-2 एक हॉरिजॉन्टल खंड, एक ऊपर एक मध्य में और एक नीचे, एक मध्य में एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे 8 खंड हो गए। एक खंड देख ली, खंड कौन से, ABCDEFG, ये 8 का अंक बनाते हैं। इस सात खंड कह लीजिए, सेगमेंट है या खंड है, 8 की आकृति का बनाते हैं। इस प्रकार एक बाइट, सिंगल बाइट
में खंड जी एफ ई डी सी बी ए और ए बी सी डी ई एफ जी ए बी सी डी ई ई एफ और जी, इस तरह से ये आठ खंड है। ये पहले बता चुके हम, सॉरी ये सात खंड है, आठ नहीं सात खंड है, और आठा बनाते हैं, आठ क्या कर एट। प्रत्येक अक्षर एक खंड को दर्शाता है, ये अक्षर ए ये एक खंड को दर्शाता है, ये दूसरे खंड को दर्शाता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवा। प्रत्येक अक्षर एक सेगमेंट खंड को दर्शाता है। यदि सातों तत्व सक्रिय होते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा बच्चों? आठ। यदि सारे आठों खंड या आठों तत्व एक्टिव हो जाते हैं तो हमें आठ की आकृति दिखाई देगी। देख लीजिए आठ आई, सारे सारे यदि एक्टिव हो जाते हैं तो ये डिस्प्ले हो जाते हैं तो हमें आठ आकृति दिखाई देगी। जब कुछ तत्व एक्टिव होते हैं कुछ नहीं होते तब जीरो से नाइन तक कोई भी अंक प्रदर्शित किया जा सकता है। मान लीजिए आठ पूरा, यदि सब के सब एक्टिव होते हैं तो आठ दिखाई देगा, यदि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते तो उसमें जीरो कोई नहीं होता, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इस इन्हीं सातों खंडों से डिस्प्ले होंगे। आप देखते हैं भाई दो लीटर पेट्रोल चाहिए या एक लीटर पेट्रोल चाहिए, वो उसी के अनुसार वो अक्षर आपको मीटर में दिखाई देते हैं। ये सात खंड कुछ एक्टिव होते हैं कुछ एक्टिव नहीं होते। यदि आपको नाइन अक्षर सेवन अक्षर चाहिए तो सेवन वाले खंड डिस्प्ले होंगे। मान लीजिए तीन, आपको तीन अक्षर चाहिए, अंक दिखाई देने चाहिए उस डिस्प्ले में, रूप में तीन के डिस्प्ले करने के लिए क्या क्या दिखाई देगा, कौन कौन से एक्टिव होंगे, खंड ए बी जी सी और डी, ये डिस्प्ले होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये तिया दिखाई देगा। आगे पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, कलाई में बांधने वाली डिजिटल घड़ियां, पीएच मीटर, पेट्रोल डीजल के मीटर आदि में जीरो से शून्य जीरो से नाइन तक के अंक प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार सात खंड सेल का उपयोग किया जाता है। यह लिक्विड क्रिस्टल का महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए कितना बड़ा और अच्छा महत्वपूर्ण उपयोग है लिक्विड क्रिस्टल का। जितने भी आजकल जो डिजिटल का जमाना है, डिजिटल के जितने भी डिवाइस होते हैं सभी में ये लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है हम बता देते हैं। हम जानते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल से बने इन सेलों में ए से जी तक सात खंड होते हैं, ये बता चुके ए से जी तक सात खंड है, एक दो तीन चार पांच छह सात। इनका उपयोग करने के लिए अंकों को पहले बाइनरी कोड में बदलकर फिर डीकोडिंग किया जाता है। पहले इनको बाइनरी कोड में बदलते हैं फिर वापस इनको डीकोडिंग करते हैं, जिससे स्क्रीन पर बने हुए जीरो से नाइन अंकों में से उपयुक्त अंक दिखाई दे जाता है। पहले इनको बाइनरी कोड में चेंज करते हैं फिर इसको डीकोडिंग करते हैं। डीकोडिंग करने से क्या होगा, जो मीटर है उस पर आपको जो उपयुक्त अंक है जीरो से नाइन वो आपको दिखाई दे जाता है। उदाहरण के रूप में अंक तीन, मान लीजिए आपको तीन डिस्प्ले देखना है, तीन के लिए ए बी जी सी और डी, ए बी जी सी और डी खंड ही डिस्प्ले एक्टिव होंगे, अन्य खंड नहीं। तीन अक्षर को दिखाने के लिए, तीन के अंक को दिखाने के लिए कौन से एक्टिव होंगे, ए बी जी सी और डी ही डिस्प्ले होंगे, वही
खंड एक्टिव होंगे, शेष खंड एक्टिव, ये दोनों एक्टिव नहीं होंगे, तो हमें क्या स्क्रीन क्या दिखाई दी है, तीन का अंक दिखाई देगा, जिससे डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर, पेट्रोल, डीजल के मीटर पर इन अंकों को पढ़ सकते हैं। आजकल डिजिटल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, इसलिए दिनों दिन लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। देखा कितना अच्छा उपयोग है, जितने भी डिजिटल डिवाइस है, समझ गया, डिजिटल डिवाइस में लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, उसमें जो अक्षर, ये अक्षर है सात खंड, जिसको हम सात खंड सेगमेंट कह लीजिए, सात खंड सेल, सेवन सेगमेंट सेल, ये रहता है, और सात, ये सातों खंड आपने देख लिया, ये आठा बनाते हैं। अब जो अक्षर चाहिए आपको वो आपको डिस्प्ले हो जाता है, चाहिए वो चार, चार के रूप में ये देख लीजिए, चार यदि आप डिस्प्ले होना चाहिए तो एफ बी जी और सी, ए ई और डी इनएक्टिव रहेंगे, डिस्प्ले नहीं होंगे। जितने भी अक्षर चाहिए जीरो से नाइन तक, वो आसानी से जो मीटर होता है, स्क्रीन होता है, उस पर डिस्प्ले हो जाता है। अब आप इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।